आज जब पूरा देश चंद्रयान की खुशी मना रहा है तो देश को यह जानना चाहिए कि कैसे भारत की कांग्रेस और केरला की वामपंथी सरकार ने एक महान वैज्ञानिक नम्बी नारायण की जीवन बर्बाद किया था। इसरो के कुछ वैज्ञानिक बताते हैं, अगर उस वक्त नम्बी नारायण की गलती गिरफ्तारी ना होती तो आज भारत अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे आगे होता। लेकिन केरला की वामपंथी सरकार ने झूठा आरोप लगा दिया कि इन्होंने टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दी है, जिसके चलते इन्हें 20 साल से ज़्यादा का जीवन बर्बाद चला गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेकसूर बताया और केरला की वामपंथी सरकार को लताड़ा, 50 लाख का मुआवजा देने को कहा। फिर 2019 में मोदी सरकार ने इसे पद्म भूषण देकर इनको सम्मान दिया। आप इसकी एक कहानी जो कि कड़वी सच्ची घटना पर बनी हुई है, रॉकेट्री फिल्म को 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला। नम्बी नारायण एक इंडियन साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर जो कि इसरो के हेड ऑफ क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट थे। यही अपने अद्भुत योगदान लिक्विड रॉकेट इंजन और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है फॉर स्पेस मिशन। 1990 के दशक में इसे झूठे केस में जेल भेज दिया जाता है जो कि बाद में बेकसूर साबित होता है। नम्बी नारायणा का जन्म दिसंबर 12, 1941 को नगर कोयल तमिलनाडु इंडिया में हुआ था। वह 1966 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो में शामिल हुआ। अंतरिक्ष अभियानों के लिए लिक्विड रॉकेट इंजन और प्रणोदयक प्रौद्योगिकी के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। 1990 के दशक में नम्बी नारायणा पर भारतीय क्रायोजेनिक तकनीकी से संबंधित वर्गीकृत जानकारी विदेशों को बेचने का गलत आरोप लगाया गया। उन्हें 1994 में केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जासूसी के तौर पर लगाया था। हालांकि उन पर लगाए गए आरोप निराधार और मनगढ़ंत पाए गए। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बाद में निष्कर्ष निकाला कि जासूसी के आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। यह पता चला कि मामला झूठी गवाही पर बनाया गया था और राजनीति से प्रेरित था। नम्बी नारायण का मामला सत्ता के दुरुपयोग, झूठे आरोपों और एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रणाली की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला है। कठिन परीक्षा के बावजूद इन्होंने इसरो और अंतरिक्ष अनुसंधान में योगदान देना जारी रखा। तरल प्रौद्योगिक और क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके काम को अत्यधिक सराहा जाता है। बात नम्बी नारायण की हो या नम्बी नारायण की कहानी, न केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है बल्कि विपरीत परिस्थितियों में उनके लचीलेपन और कानूनी प्रणाली में अत्यंत उनकी पुष्टि का प्रमाण भी है। नम्बी नारायण ने अपनी शिक्षा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हासिल की। उन्होंने कन्याकुमारी के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में इन्होंने वाराणसी के प्रतिष्ठित वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में थर्मोडायनेमिक्स और एरोडायनामिक्स के विशेषज्ञों के साथ इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग में उन्होंने शैक्षिक पृष्ठभूमि ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में उनके करियर और रॉकेट प्रौद्योगिकी प्रणाली और क्रायोजेनिक इंजन के विकास में उनके योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने राष्ट्र के लिए वफादार और अपने योगदान देने के लिए कोई भी सीमा नहीं होती। आप किसी भी हद तक अपने देश को और गौरवान्वित महसूस करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। ऐसे ही थे हमारे नम्बी नारायणा, जिनके लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है।